पंजाब माझा जोन कॉलोनाइजर एंड प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के प्रधान संजीव रामपाल और सत्र सुरिंदर सिंह दोभालिया की अध्यक्षता में पंजाब सरकार की ओर से एनओसी पॉलिसी के विरोध में मीटिंग की गई, जिसमें बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी कारोबारी और कॉलोनाइजरों ने इस पॉलिसी का विरोध जताया। प्रधान संजीव रामपाल ने कहा कि मीटिंग में कॉलोनाइजरों से सुझाव भी मांगे गए ताकि इस संबंधी जल्द ही ऐसी सर्व पॉलिसी तैयार की जाए और सरकार को इस संबंध में बताया जा सके, जिससे पंजाब में कारोबार बढ़े और सरकार के खजाने में स्टाम्प बिक्री से आने वाले रेवेन्यू में भी वृद्धि हो सके। उन्होंने बताया कि बीते दिन सरकार ने जिस पॉलिसी का ऐलान किया है उससे ना तो सरकार और ना ही पंजाब की जनता को कोई फायदा होगा। अब तक किसी ने भी इस पॉलिसी के तहत एनओसी के लिए आवेदन पत्र संबंधित विभाग को नहीं दिया है। अमृतसर से ललित शर्मा। माझा जोन प्रॉपर्टी एसोसिएशन की मीटिंग जी बुलाई गई है, सरकार ने जो पिछली सरकार के समय जो एनओसी लाई ही बहुत तिखा संघर्ष किया गया है और कांग्रेस पार्टी ने वादा किया ही अपने मैनीफेस्टो में भी ना लिया ही भी सब तो वधिया पॉलिसी जी दी जाऊगी ताकि प्रॉपर्टी का कारोबार रियल स्टेट का कारोबार जरा वा वो बुलंदियों तो खुलेगा। जिस तरह 2002 कैप्टन साहब की सरकार आई ही लोगों ने आसा लाइया है भी प्लाट ना बेचो कोई मकान ना बेचो सरकार आएगी कांग्रेस की तो वो रेट बदल गए और 1.5 साल हो गया सरकार बनी नो जी आ पॉलिसी आदि 228 रुपये गज के इन्होंने ला दते आ एक गज तो लैके 500 गज की क्या जरा वा 228 रुपये गज के लगन गए 500 गज तो उपर प्लाट होएगा वो उत्ते चंडीगढ़ तो पलूवर लेने पैने थे। इस करके ये पॉलिसी जी ना सरकार के हित में आ ना आम लोगों के हित में आ जी एनओसी की पॉलिसी लाई गई आ यह वैसे तो सारे पंजाब के लोगों पर लाई गई है क्योंकि जो किसी ने प्लाट बेचना वा तो उन्होंने एनओसी देनी पैनी है तो जो डीलर साढ़े भाई जरा डीलर जो होंगे ने उन्होंने प्रॉब्लम आती है क्योंकि एनओसी के करके बड़े सौदे कैंसल हो रहे कारोबार नहीं चलन रहा लोग कहें भी जो एनओसी कौन देगा वो कारण बड़े झगड़े पैन रहे आप एनओसी बिल्कुल जी पॉलिसी लागू नहीं होंगी नवी पॉलिसी सरकार के नाल तालमेल हो चुका वा सरकार ने कहा भी तुम दसो किस तरह की पॉलिसी चाहते जाके वो सुजैशन वास्ते सारे अपने भाइयों के नाल सलाह करके आप सुजैशन देना भी आप इस तरह चाहते जाके अं चाहते हैं भी पॉलिसी बंद की जाए ताकि कारोबार चले जे कारोबार चलेगा सरकार में भी यदा फायदा अगर सरकार ना मना मनू तो फिर संघर्ष किया जाएगा जिन जी नहीं किया क्योंकि सरकार ने हमारा वादा किया जे डीलर का नुकसान आ कलोनाइजर का नुकसान आ तो सरकार का बहुत ज्यादा नुकसान आ तुम रिकॉर्ड चक्का के वे लो पंजाब दी तहसीलों सब तहसीलों के जो भी ये पॉलिसी लागू की किसी ने अपलाई नहीं किया दूजी गल किसी ने अपलाई नहीं किया जी स्टैंप ड्यूटी तो सरकार के मालिए पैसा खजाना कट्ठा होंगे वा जाके और रिकॉर्ड उस रिकॉर्ड गिरावट आई जाके सरकार कह रही है खजाना जरा खाली आ जे एनओसी सरल तरीके बनाई गई नाम मात्र जो पैसे जे लाए गए हैं तो अज खजाना भर जाना ही जाके अज हालात बहुत पहुंच चुके आ भी लोगों दुकाना कारोबार बंद हो चुका वा जाके अं सरकार को पहले अपील करनी है नाल डेलीगेशन लैके आप सरकार को मिलेंगे टाइम लाके मिलेंगे अज अपना जो सुजैशन जो कट्ठे होने वो आप नोट करके सू इस तरह की पॉलिसी चाहिए जाके ताकि कारोबार चले सरकार को फायदा हो साढ़े जरा भाईचारा वो भी रोटी खा बचा।